जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ। गोपालगंज, मीरगंज, साहू जैन कन्या उच्च विद्यालय की घटना, महिला के साथ किया गया दुर्व्यवहार और उनके पति के साथ की गई मारपीट। कुचाय कोर्ट, सेंट पॉल स्कूल की ओर से मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकर आया सत्यनारायण और मुझे देखिए हाथ पे मारा भी, और मैं तुरंत जब मारा तो मैं सीधे मीरगंज थाने में आया हूँ। थाने में जो दमदार साहब थे, जो अरुण कुमार, वो हमारे साथ गाड़ी में गए, मैं आवेदन भी दिया, फिर उन लोगों को लेके आए भी हैं, ठीक है। और इसके पीछे लगभग 6 माह पहले जब ये डीएलएड, जब ये बच्चे सब कर रहे थे, जितने कैंडिडेट हैं, सारे लोगों के डीएलएड करने वालों को कहे अलग से बुला के, और जो चपरासी है उसके द्वारा, कि तुम लोग प्रत्येक असाइनमेंट पे 500 रुपया दो। लगभग कुछ लोग 1500, 500, 1000 करके लगभग 1.5-1.5 लाख रुपया भी दे दिए। उसके बाद वो क्या किया कि और पैसा ऐंठने के चक्कर में हम लोगों को जो 512 का असाइनमेंट है, सारे कैंडिडेट का अपसेंट चढ़ा दिया है। जब अपसेंट आया तो हम लोग NIUS के द्वारा, जो केंद्र है जो पटना में, उससे बात किए तो वो बोला कि जो उसमें कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल, उनसे कहिए। जब इनसे हम लोग बोले तो बोले कि ठीक है, लगभग दिसंबर में 15 तारीख तक, 4 को रिजल्ट आया है और 4 के बाद हम लोग बात किए, तो प्रत्येक दिन जब बात करते थे तो वहाँ से यही मिलता था NIUS के कि कोऑर्डिनेटर से कहिए 15 तक डेट है, फिर से वो बना के भेज दे। लेकिन जब भी हम लोग ये कोऑर्डिनेटर से बोले हैं, प्रिंसिपल से, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम बना देंगे। आज तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया, उसमें ऑब्सेंट ही दिखा रहा है। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि वहाँ के ऑल कैंडिडेट का ऑब्सेंट दिखा रहा है। और जब भी लोग मिलते हैं अलग अलग ऑफिस में, ठीक है, उन लोगों से कहता है कि और पैसा दीजिए, उसमें काम है, ये है, वो है। हम लोग आवेदन DPO को भी दिए थे लगभग 6 माह पहले कि सर, हम लोग आवेदन जो थे ये सर्व शिक्षा के अनिल द्विवेदी जी, उनको भी हम लोग दिए। हम लोगों के जो नेता हैं नीलमणि शाही जी, उनके द्वारा पैड पे भी लिखा के दिया गया। लेकिन आज तक 6 माह पहले हम लोग आवेदन दिए, कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। और आज तक जितने भी कैंडिडेट हैं, एक दिन भी प्रशिक्षण भी नहीं लिया है, और ना ही फॉर्मेट पे अटेंडेंस भी बनवाए हैं, और आज अंतिम दिन है, उसके बावजूद भी बुला रहे हैं बार बार। हम लोग आते हैं लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूरी से, और जो भी कैंडिडेट है उनके गार्जियन साथ में आते हैं, अगर कुछ पूछना होता है तो एंट्री करने नहीं देते हैं अंदर। और जैसे आज मेरी पत्नी जब आई, प्रत्येक दिन वो हिजाब में आती है, नकाब में, और जब वो आ जाई, कभी भी आज तक 2 साल से लगभग चल रहा है, लेकिन कभी भी उसका, ठीक है, हिजाब उठा के नहीं देखा गया। आज बोले कि इसको उतारिए, हम आपको देखेंगे, और देखने के बाद फिर हम अटेंडेंस बनवाएंगे। इस तरह का व्यवहार वहाँ चल रहा है प्रिंसिपल के द्वारा, और चपरासी जो है, सारे चीज़ प्रिंसिपल बोलते हैं चपरासी को कि तुम अलग अलग लोगों से बोलो पैसा के लिए, सबसे वो अलग अलग आके बोलते भी हैं। और DPO महोदय से भी बात वो किए, लेकिन DPO महोदय बोले कि ऐसा है, आप चलवाइए। ये क्या कहते हैं, IT पार्क, जिले का एकमात्र कंप्यूटर संस्थान जो नाइलिट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। CCC और ओ लेवल में नामांकन प्रारंभ है, जो सभी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य है। बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम में नामांकन प्रारंभ है। पता यादवपुर रोड, गोपालगंज। इंडियन और जर्मनी दवाओं का अनूठा संगम, गोपालगंज होमियो हॉल, होम्योपैथिक दवाओं की शुद्धता की गारंटी। गोपालगंज होमियो हॉल, घोसमोड़ दरगाह रोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 8969071002। ब्लॉक के रामदास बगही पंचायत के राजकीय उत्कर्मिक मध्य विद्यालय जयपुर मकतब में कार्यरत हैं। मेरी पत्नी जो चिल्ड्रेंस DDM चिल्ड्रेंस एकेडमी में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है, 2017 और 19 बैच में DLED कर रही है, जिसका सेंटर साहू जैन गर्ल्स हाई स्कूल मीरगंज में पड़ा है।
जब से हम लोग लेके आते हैं ट्रेनिंग में, प्रत्येक दिन हर सैटरडे और संडे को प्रत्येक दिन वहाँ के प्रिंसिपल और साथ साथ वहाँ के सहायक और वहाँ के जो चपरासी है जिसका नाम सत्यनारायण सिंह है और प्रिंसिपल जिनका नाम अयोध्या सिंह है, इनके द्वारा जितने भी कैंडिडेट हैं सबको कभी भी ये प्रशिक्षण दिए नहीं, सिर्फ एक सादा पन्ना पे अटेंडेंस बनवा लेते हैं और अटेंडेंस बनवा के बोलते हैं अब आप लोग जाइए। हम लोग कटिया ब्लॉक से लगभग साउजन गर्ल्स हाई स्कूल की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर की है। मैं हमेशा जब भी आता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे साथ और साथ साथ हमारे पत्नी या और भी कैंडिडेट है जिसको जो लोग आते हैं उनको वो लोग अंदर क्लास में जाते भी नहीं देते हैं और उसके बाद जो जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। आज प्रशिक्षण का अंतिम दिन था, आज जब हमारी पत्नी गई तो वो सादा पन्ना पे अटेंडेंस बनवा रहे थे, ये बोली कि सारे जितने भी बिहार में जहाँ जहाँ सेंटर है सारे जगह सेंटरों पे फॉर्मेट पे बनवाया जा रहा है, आप हर सैटरडे को बोलते हैं अगले सैटरडे को फॉर्मेट पे बनेगा, अगले सैटरडे को, अगले सैटरडे को, आज अंतिम दिन था। आज ये मेरी पत्नी जो खालिदा खाना में है वो बोली कि सर अटेंडेंस बनवा लीजिए, अगले सैटरडे को, बोले अगले सैटरडे को बनेगा, आज अंतिम दिन है, फिर हम लोग कैसे आएंगे, आज अंतिम दिन में बनवा लीजिए। तो बोले कि हमारी मर्जी, हम अगले सैटरडे को भी बुलवाएंगे, उसके अगले को भी सैटरडे को भी बुलवाएंगे, जब चाहे तब बुलाएंगे, आपको वैसे ही आना है, हम जैसे कह रहे हैं वैसे सुनिए। फिर ये बोले कि सर असाइनमेंट भी जमा कर लीजिए, तो सहायक के द्वारा कहा गया कि आप प्रिंसिपल में के ऑफिस में जाइए, उनसे पूछिए, अगर वो कहेंगे तो ले लेंगे। जब ये गई प्रिंसिपल के ऑफिस में और वह बोली कि सर अटेंडेंस बनवा रहे हैं तो फॉर्मेट पे भी नहीं बन रहा है और ये बनवा रहे हैं सादा पन्ना पे, आज अंतिम दिन है, उनके द्वारा भी वही कहा गया जो सहायक को बताए हैं, वो बोले हैं कि मैं जैसे चलाऊं मेरी मर्जी, मेरा स्कूल है, हम किसी को अगर आपके जो भी ये है दिक्कत है वो आप समझें, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अगले सैटरडे को आपको आना है। फिर ये बोले कि सर असाइनमेंट ले लीजिए, प्रत्येक दिन लेके आते हैं और जाते हैं, तो ये वो बोले कि नहीं लेंगे और प्रिंसिपल जो सत्यनारायण हैं उनको बुलाकर और हमारे पत्नी को धक्का देके ऑफिस से निकाले। जब ये हमारी पत्नी बोली कि इस तरह का क्यों आप बिहेव कर रहे हैं, तो बोले कि जल्दी जाओ कि नहीं नहीं तो अभी हम आपको धक्का निकाल के और मार के भी। चित्रगंधा पान मसाला, द रॉयल टेस्ट, हर सफर में हम सफर। जीपीएल न्यूज, हर खबर आपके साथ।